हेलो एवरीवन, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर में दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि एक तो फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम की, जिसमें बेसिकली आता है एलसीएफ एलसीएम निकालना और प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना, और सेकेंड है इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। ये हम कर चुके हैं इससे पहले की क्लासेस में। अगर आपने ये दोनों क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। अब और टाइम वेस्ट किए बिना अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम कवर करेंगे 2007 से 2023 तक आए क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चंस होंगे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 429 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब है कि इसके जो फैक्टर्स होने चाहिए वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों। अतः 429 के फैक्टर्स होंगे, 429 के फैक्टर्स होंगे, आप रफ में अलग से कर सकते हैं कि 429 सबसे पहले जाएगा, डिवाइड होगा किससे? 429 डिवाइड होगा 3 से, तो 3 से जाएगा 143 पर। अब नेक्स्ट ये जाएगा 11 से 13 पर, और फिर 13 से 1 पर। तो 429 को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो ये तीनों क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या हुआ, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 429 को एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96। जो ये फार्मूला है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हमें 404 और 96 का क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 404, तो 404 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले जाएगा ये 2 पर, 2 से फिर जाएगा ये, फिर 2 से, और फिर जाएगा ये 101। रफ वर्क में आप अलग से कर सकते हैं कि 404 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 202, फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो आएगा 101। तो ये तीनों क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और फैक्टर्स ऑफ 96, तो 96 के फैक्टर्स भी आप रफ में कर सकते हैं कि 5 टाइम्स 2 इनटू में 3। तो ये क्या हुए? ये हैं इसके फैक्टर्स। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये दोनों में है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो दोनों में है। तो एचसीएफ क्या हुआ? 2 इंटू 2, 4। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम के क्या मतलब है? एलसीएम निकालने के लिए हम कंसीडर करते हैं ग्रेटेस्ट पावर को। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है इन दोनों नंबर में? 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5। फिर नेक्स्ट नंबर है 3। 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 1। तो इनटू में 3, और फिर नेक्स्ट नंबर है 101। तो 2 की पावर 5 32 इंटू 3 96, 96 को अगर हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9696। तो ये आया 4 आया एचसीएफ और एलसीएम आया 9696। अब हमें वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसको करने के भी दो तरीके हैं कि एक तो आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करें, वो इक्वल आएगा। एक और सेकंड तरीका है कि इनकी वैल्यूज, जो ये एचसीएफ एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से, इनकी वैल्यू आप रख दीजिए एज इट इज की एचसीएफ 4 एलसीएम 9696 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 404 इंटू 96। 4 से 404 101 पर कट, और 96 से ये 101 पर कट। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई? 101, और राइट हैंड साइड क्या आई?
101। तो ये क्या है कि HCF into LCM is equal to product of two numbers, ये क्या है वेरीफाई हो जाता है कि LHS equal to RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो फार्मूला है HCF into LCM is equal to product of two numbers, ये फार्मूला वेरीफाई हो जाता है। और ये क्वेश्चन क्या है, ये NCERT का एग्जाम्पल है।